मध्य प्रदेश के खरगोन में गुरुवार की रात शुरू हुई बेमौसम बरसात की वजह से सर्दी तो बढ़ ही गई, जगह जगह जल भराव की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहां से पैदल निकलना भी मुश्किल हो रहा है। गुरुवार की रात आंधी तूफान व बारिश ने कई मकानों से छतों की चादरें भी उड़ा दी। इस दौरान एक दर्जन से अधिक पेड़ गिर गए। तेज हवा व बारिश से बिजली के पोल व तार टूटने से एक लड़का करंट की चपेट में आ गया, जिसको अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। रात में मौसम बदला, इसके बाद सुबह 10 बजे तक फुहारें गिरती रही, इसकी वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वहीं बारिश का असर सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में भी देखने को मिला। इक्का दुक्का कर्मचारी ही दफ्तरों में पहुंचे। पानी की निकासी ठीक से नहीं होने की वजह से सड़कों पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल मौसम विभाग के विशेषज्ञों ने पहले ही आशंका जताई थी कि पश्चिमी विक्षोभ के मध्य प्रदेश के असर के चलते बारिश हो सकती है और ऐसी ही स्थिति अगले 3 दिन तक बरकरार रहने की उम्मीद है। वहीं मध्य प्रदेश में शाम 4 बजे से ही राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ साथ कई इलाकों में ओले भी गिरे। देखिए खरगोन से संवाददाता महेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।